हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर फॉर टेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायो वाइप्स की तरफ से आने वाला एक PIR मोशन सेंसर, जिसका मॉडल है MPAC1R2। ये बायो वाइप्स की तरफ से आने वाला एक PIR मोशन सेंसर है, जिसके आगे अगर कोई भी मोशन होता है तो इससे कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन हो जाते हैं, और अगर कोई मोशन नहीं होता तो इससे कनेक्टेड डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। इसके अंदर ड्यूअल आउटपुट है, तो इसके अंदर एक साथ दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर बिल्ट इन SMPS है, फ्यूज प्रोटेक्शन है, इसकी हाई सेंसिटिविटी है। ये सीलिंग पर भी माउंट किया जा सकता है या फिर वॉल पर भी माउंट किया जा सकता है, और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है रिटेल पैकिंग बायो वाइप्स की तरफ से आने वाले एक PIR मोशन सेंसर की, जिसका मॉडल है MPAC1R2, और एक काफी बेसिक ब्राउन कलर की पैकिंग है। इसकी दोनों साइड पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर बायोवेस की ब्रांडिंग है, और ये हमें बताता है कि इसके अंदर PIR मोशन सेंसर है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर लक्स कंट्रोल किया जा सकता है, ड्यूअल आउटपुट है विद इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स, और इसका मॉडल नंबर मेंशन है, और एक आउटपुट रिले कॉन्फिगर करने के लिए डायग्राम बना हुआ है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और ये हमें बताते हैं कि ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इस बॉक्स की दूसरी साइड एक QR कोड बना हुआ है, जिसको स्कैन करके इसकी वेबसाइट ओपन करी जा सकती है। सीरियल नंबर मेंशन्ड है, और इसका MRP 2499 रुपए है, मगर ऑनलाइन 1600 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलेगा। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर्स एंड फैक्ट्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर एक माउंटिंग होल ड्रिल मार्किंग गाइड मिलती है, एक सेटअप गाइड मिलती है, और इसके अंदर मिलता है इसका एक मेन यूनिट, जो कि है बायोवेस का मोशन सेंसर। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए, तो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और काफी सॉलिड इसका बिल्ड है। इसके फ्रंट में एक मोशन सेंसर लगा हुआ है, और इसके टॉप पे एक स्टिकर लगा हुआ है, जिसके ऊपर बायोवाइप्स की ब्रांडिंग है, कंपनी की वेबसाइट, इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर और एक QR कोड है। इसकी बैक साइड में वायर के साथ अटैच होकर ये तीन डिफरेंट कनेक्टर्स मिलते हैं, एक इनपुट सप्लाई के लिए और दो आउटपुट के लिए, और इसकी मार्किंग भी यहाँ मेंशन्ड है। ये दो होल्स भी हुए हैं इसको माउंट करने के लिए। इस PIR सेंसर को दीवार पर या फिर सीलिंग पर माउंट किया जा सकता है, और इसका ये बैक कवर खुल जाता है, और खुलने के बाद इसके अंदर ये रिले लगी हुई है, जो कि इसकी सेटिंग करती है। इसमें दोनों ही आउटपुट को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। किसी एक का टाइम कुछ और, दूसरे का टाइम कुछ और सेट किया जा सकता है। एक की लक्स वैल्यू कुछ और दूसरे की लक्स वैल्यू कुछ और सेट की जा सकती है। और इसी के साथ नीचे एक फ्यूज दिया हुआ है, अगर कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो उसकी वजह से जो भी डैमेज होता है वो इस फ्यूज को होता है, और ये फ्यूज उड़ता है। तो अगर कभी भी इस डिवाइस के साथ जो सप्लाई लगी हुई है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, तो ये फ्यूज सबसे पहले जाता है। ये डिवाइस और इससे कनेक्टेड बाकी डिवाइसेस सेफ रहते हैं। ये 90 से लेकर 250 वोल्ट AC करंट पे काम करता है, यानी लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज दोनों पे इक्वली वर्क करता है, और इसके लिए अलग से कोई भी स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें ये जो दो आउटपुट निकल रही है, इसमें इंडिविजुअली 2000 वाट का लोड अटैच किया जा सकता है, मगर उन दोनों का कंबाइंड लोड 2300 वाट से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके सेंसर की रेंज 4 मीटर यानी 13 फुट की है, और इसकी मोशन डिटेक्शन स्पीड 0.5 से लेके 0.9 मिलीसेकंड्स की है, तो ये काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। और इसका मोशन डिटेक्शन एंगल 120 डिग्रीज का है। तो अब एक बारी इसके कनेक्शंस करके आपको इसका एक डेमो देता हूं, और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस मोशन सेंसर के कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं, और इसके साथ फिलहाल अभी ये एक बल्ब लगाया है, और जिस तरीके से ये बल्ब काम करेगा उसी तरीके से दूसरा डिवाइस भी इसके साथ काम करेगा। इस मोशन सेंसर के साथ कोई एक डिवाइस या फिर कोई दो अलग अलग डिवाइसेस अटैच किए जा सकते हैं, जैसे कि इसके साथ एक बल्ब या फिर दो बल्ब या फिर कॉम्बिनेशन एक बल्ब एक फैन, एक बल्ब एक एग्जॉस्ट, या फिर एक लाइट एक एग्जॉस्ट, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। और इस मोशन सेंसर के साथ जो दो अलग अलग आउटपुट दी हुई हैं,
उन दोनों ही आउटपुट पे 2000 का इंडिविजुअली लोड दिया जा सकते हैं, मगर अगर इसके साथ कोई दो डिवाइसेस अटैच हो रहे हैं तो इन दोनों का कंबाइंड जो है वो 2300 वाट से ऊपर का लोड नहीं होना चाहिए। तो अब एक बारी इसकी पावर ऑन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो ये पावर ऑन होते ही इसके मोशन सेंसर के आगे एक ब्लू कलर की लाइट जलती है जो कि इंडिकेट करती है कि ये ऑन हो गया है, और अब जब भी इसके आगे कोई मोशन होगा तो इससे अटैच डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे। तो अब जैसे ही इसके आगे मैंने कोई मोशन करा तो इससे अटैच बल्ब ऑन हो गया, और कुछ सेकंड्स तक अगर इसके आगे कोई मोशन नहीं होता तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। और इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो लक्स वैल्यू है और इसका जो टाइमर है वो इंडिविजुअली दोनों ही आउटपुट के लिए अलग अलग सेट किया जा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये मोशन सेंसर कितने अच्छे से और कितने क्विकली काम करता है। इसके अंदर दो डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं जिसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मोशन डिटेक्शन एंगल 120 डिग्रीज का है और मोशन डिटेक्शन रेंज 4 मीटर की है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये मोशन सेंसर सिर्फ 1600 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलता है, और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो ये थी बायो वाइब्स के इस मोशन सेंसर की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैरेज से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोज रेगुलर देखना तो यूट्यूब के ऊपर ग्लिटर सेंसर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले, और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।